प्रिय मित्रों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो लीजिए हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे वो रीट मेंस का, यानी थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो हमारा मैथमेटिक्स और साइंस से जुड़ा कंटेंट है उसके अंदर, मेंस के अंदर अपन जो चल रहे थे उसके अंदर बहुभुज यानी कि पॉलीगोन। ध्यान रखना, बहुभुज में पहले ले चुका हूँ, लेकिन पहले वाले में अलग चीज़ थी उसका क्षेत्रफल वगैरह, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर, परिमाप वगैरह। और आज जो इसके अंदर कोणों से संबंधित, कोणों और भुजाओं से संबंधित कॉन्सेप्ट है और वो मैं लेकर के आया हूँ। तो इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन बहुभुज के संदर्भ में कुछ ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशंस है वो हमें पहले पता होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने कुछ ज़रूरी क्वेश्चन बाद की बात है। पहली बात तो बहुभुज होता क्या है। बहुभुज के दो तरह के कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। नंबर वन, एक तो आता है उत्तल बहुभुज और दूसरा आता है अवतल। ध्यान रखना, ये कहलाता है कॉनकेव और ये होता है कॉनवेक्स, ठीक है ना। थोड़ा सा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जनरली अपन इसके बारे में खूब पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना, कॉनकेव का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बहुभुज है, जैसे ये मैंने बनाया और ये वाला जो बहुभुज बना दिया ये कॉनकेव है, लेकिन अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये जो बहुभुज है वो कॉनवेक्स है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस याद रखने के लिए देखिए ये क्या लिखा है, केव। केव का मतलब क्या होता, गुफा। जहां केव बनती हो वो हमारा अवतल या कॉनवेक्स, सॉरी कॉनकेव बहुभुज होगा, ठीक है, और ये हमारा कॉनवेक्स, ठीक है। बाकी जनरल जो डेफिनेशन वो तो अपन जानते ही इसके अंदर कि अगर दो शीर्षों को अगर मिलाया जाए और वो शीर्ष अगर अंदर ही, वो लाइन अगर पूरी अंदर रहे, ठीक है, तो ये आपका उत्तल बहुभुज है, लेकिन इसके अंदर अगर इन दो शीर्षों को मिलाया जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा इस एरिया से और इसलिए ये कॉनकेव हुआ। मैंने दोनों ही बातें इसके अंदर आपको बता दी, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे पास में बहुभुज वाला सिस्टम, कितने प्रकार के होते हैं वो। अब मैं इसके अंदर जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है उन पर आ जाता हूँ। देखिए, हम मानेंगे किसी बहुभुज में सम बहुभुज की बात करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, और सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या हम n लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं जरूरी सूचनाएँ हैं वो ले लेता हूँ इसके अंदर n भुजाओं के लिए, ठीक है ना। याद रखना, n भुजाओं वाले सम बहुभुज में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आपको जो लेना है वो ध्यान में रखना है। नंबर एक, सबसे पहले बात तो इसके अंदर सभी अंतःकोणों का योग, और दूसरा इसके अंदर आता है प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, सभी अंतःकोणों का योग मतलब होता है 2n-4 × 90, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अंदर जो है आपके 2n-4 × 90 एज इट इज और अपॉन में n लग जाएगा, n भुजाओं की संख्या है। ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत सारी बुक्स के अंदर 2 कॉमन लेकर के इसको 180 कर देता है, ठीक है, तो n-2 × 180 हो जाएगा दोनों ही में। दूसरी बात, इसके अंदर यहाँ ये नहीं लिख करके वो 2n-4 समकोण लिखता है यहाँ पर, समकोण, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा दोनों में, ठीक है। फिर तीसरी बात आती है, अंतःकोण प्लस बहिष्कोण, सॉरी
बराबर ध्यान रखना 180 डिग्री होगा। फिर चौथा है प्रत्येक बहिष्कोण, वो होता है 360 अपॉन एन। ज़्यादातर जो काम आने वाले फॉर्मूले आपके, ये फॉर्मूले आपको ठीक से इसके अंदर याद रख लेने हैं, इन्हीं से हमारे सवाल सारे हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सभी बहिष्कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये एन भुजाओं वाले समभुज पोज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है, और प्रत्येक बहिष्कोण 360 बटा एन हो जाएगा। ये इसके अंदर जो मुख्य मुख्य इसके अंदर फॉर्मूले हैं वो आपको इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। फिर इसके अंदर ये जब अब इसके अंदर वो और क्या बचा है मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एक अब इसके अंदर जैसे ये बात करें, अगर हम इसके अंदर खास तौर से बात करेंगे पंचभुज सम पंचभुज, है ना, सम पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। प्रत्येक अंतःकोण पूछा है, ठीक है, एन का मान अपन 5 रखेंगे इसके अंदर, तो ये 2 × 5 × 4 / 5 × 90, तो ये हो जाएगा 10 − 4 यानी कि 6/5 90, और ये 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, यानी सम पंच भुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, 108 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से अपन इसके अंदर सम षटभुज, है ना, सम ये मैं नहीं निकालूंगा, ध्यान रखना ये आपको निकालना है, मैं केवल यहां लिख रहा हूं, सम षटभुज का प्रत्येक कोण वो आप फाइंड करें। ऐसे ही तीसरा सम अष्टभुज वो आप फाइंड करें, ठीक है। मैं खाली बता देता हूं कि इसके अंदर ये जो आएंगे सम षटभुज में आएगा प्रत्येक अंतःकोण वो आएगा 120 डिग्री, और ये आएगा 135 डिग्री, जो आपको ध्यान में रखना है। हम इसके बेस पे प्रत्येक कोण भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सभी अंतःकोणों का योग भी निकाल सकते हैं, 120 है तो 5 तो इसमें सम जैसे ये 6 है तो बार छंग बहुतर 720 हो जाएगा इसका, ऐसे इसको 8 से गुणा कर लेंगे तो सम अष्टभुज का आ जाएगा। तो ये आपके इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो जरूरी जरूरी मैंने इसके अंदर बता दिया। हम हर एक फॉर्मूले को इसके अंदर यूज करेंगे, हमें इसका ध्यान रखना होगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि जो सम बहुभुज यानी बहुभुज का जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है उस टॉपिक के से जुड़े जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इस कॉन्सेप्ट से, इससे जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, तो इसको आपको ठीक से स्टडी कर लेना चाहिए। फिर इसके अंदर जो बच्चे हैं कॉन्सेप्ट पहले मैं वो ले लेता हूँ, इसके अंदर कुछ बच नहीं जाए ताकि, हाँ एक चीज इसके अंदर और रह गई, सबसे खास बात जो रह गई है वो है विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, वो होता है n × n − 3 / n, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। बहुत सारी बुक में इसको इस रूप में भी लिखा होता है n × n − 1/2 − n, दोनों एक ही बात है, हमें खास तौर से इसी को याद रखना चाहिए n × n − 3/n। अगर हम देखें तो सम पंच भुज में विकर्णों की संख्या अगर पूछे तो क्या होगी,
पाँच इंटू पाँच माइनस तीन बटा एन का मान कितना है पाँच, तो पाँच से पाँच कट जाएगा और ये आपके क्या हो जाएगा दो। तो इसके अंदर समपंचभुज में विकर्णों की संख्या दो आ जाएगी, ये इसका तरीका आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, किसी समबहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 है डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। अंतः कोणों का योग पूछ लिया, मतलब पहले सवाल में आपके जो पूछा है इसने वो अंतः कोणों का योग दे रखा है, मतलब आपको मालूम है कि अंतः कोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90 इक्वल टू दे रखा है 1260। सीधी सीधी बात, हम एक काम करें इसको फटाक से उधर डिवाइड में भेज दें ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। जीरो ये आपके 9 से भी कट रहे होंगे, अपन 3 से काट लेते हैं, तो ये 3 से कटेगा ये 4 बार और ये 2 बार, फिर ये 3 से 34 42, मतलब ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 14 + 4 = 18, तो ये आपके n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ये इसका आंसर, यानी कि इसमें ये जो मैंने दे रखा इसमें 9 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई सा भी, कोई विशेष बात नहीं है। अगला कह रहा है एक सम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री है। देखिए प्रत्येक अंतः कोण दे दिया आपकी बार, तो भुजाओं की संख्या क्या है। तो प्रत्येक अंतः कोण के अंदर हमने पढ़ा है भी कि 2n-4 अपॉन एन इंटू 90 होता, प्रत्येक में एन बटे में चला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसमें कितना बताया 150 डिग्री, ये आपके 150 डिग्री। ठीक है, आप इसको काट लें भली 2n-4 अपॉन एन बराबर ये डायरेक्ट 0 से 0 ही काट दे, 3 से यहाँ काट दे इसको और ये 5, तो ये इसके बाहर तो हो जाएगा 3 और ये 5, यानी कि 3 से अंदर गुणा कर लो आप सीधा सा, ताकि ये 6n-12 इक्वल टू 5n, आप इधर ले आओ तो ये n बराबर कितना 12 हो जाएगा, यानी इसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 12, समबहुभुज के अंदर जो इसने क्वेश्चन सेकेंड की बात की है। आज वाले इसमें जैसे सामने जब क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है काफ़ी इजी है, लेकिन जब सब क्वेश्चन अपन एग्जाम में करने बैठते हैं तो वहाँ परिस्थितियाँ अलग होती है, और इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके हम यहाँ पर इसको ठीक से कर लें ताकि एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 के अंदर इसने चेंज कर दिया है पैटर्न। ये कह रहा है कि बहिष्कोण एक सम बहुभुज के बहिष्कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:5 है, तो इसके अंदर भुजाओं की संख्या क्या होगी। अभी हमने पढ़ा है कि बहिष्कोण और अंतः कोण का योग जो होता है वो कितना 180 डिग्री होता है। हम मान लेते हैं, मान लिया जाए बहिष्कोण आपका एक्स और अंतः कोण आपका 5x, तो ये दोनों के, अब इसने जैसा कहा है हम x प्लस 5x, क्योंकि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180, तो ये 180 हो जाएगा, इससे आपके ये 6x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 6×18 ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास में बहिष्कोण, अब इसमें देखो ध्यान देना, यहाँ खास बात क्या है, हमारे पास बहिष्कोण और अंतः कोण दे रखा है। आप याद करो कि जो फॉर्मूला होता है प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटा n, इसके अंदर n भुजा गई। अब आपके पास बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण तो है 1 और अंतः कोण है 5, तो अपन बहिष्कोण के हिसाब से इसको कर लेते हैं, तो बहिष्कोण इसमें कितना हो जाएगा, ये एक हमारे पास में हमने ये x माना है, बहिष्कोण पहला वाला है ना, तो x का मान जो है वही हमारे बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर आप इसकी जगह रख दो 30 बराबर 360 बटा n, यानी कि ये n बराबर हो जाएगा 360 बटा 30, मतलब आपके n बराबर क्या हो गया, ये 0 और ये 12 36,
ये इसके अंदर भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ये इसका तरीका है। हमें मतलब इसमें बहुभुज के अंदर बिल्कुल लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, उस उन कॉन्सेप्ट से बाहर आपको जाना ही नहीं है, तो इसलिए आपको ये बस खाली ये बता रहे हैं, बताया जाए इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट, आप इसको कंप्लीट कर लें ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। इसने अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा बाह्य कोण का माप नहीं हो सकता। सबसे खास बात, बाह्य कोण का माप नहीं होने के लिए आपको मालूम है कि आपको पता है कि बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है 360 बटा एन। मैं एक काम करूं, इससे एन ले लेता हूं, 360 बटा बहिष्कोण है ना, बहिष्कोण को अपन बार बार एक्सटीरियर एंगल लिख देते हैं, ये ई, तो मैं इसको नीचे ई लिख देता हूं। अब अपन एक काम करें, एक एक करके ये सारे जो बहिष्कोण के मान दे रखे हैं तो अपन इसके अंदर भाग लगा लें, ठीक है। पहले अपन 360 बटा 120 करें तो ये कितना आएगा, 0 बारतिया 36, ठीक है। फिर दूसरी बार अपन निकालें तो 360 बटा अगला कोण है 75, ठीक है। हम इसको काट के देखें तो ये किससे कट रहा है अपने, चलो तीन से काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 25, और ये आपके तीन से काटा तो 120, फिर पाँच से काटो इसको पांच बार, ये पाँच से काटो तो 24 पंद्रह 120, यानी कि 24 बटा पाँच 48, यानी कि 4.8, ठीक है। वैसे हमारा क्ल्यू आ चुका है। फिर अगला वाला जो है 360 बटा 72, ठीक है, तो इसको भी आप देख लें, ये आपके 36 दूनी 72 और 36 10, यानी कि ये कितना आया 5, और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपके 90 है, तो ये 360 बटा 90, यानी कि कितना आया, ये 9 चौक 36। आप देखें n का मान 3, इसमें n का मान 4.8, इसमें n का मान 5, और इसके अंदर n का मान 4। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है ना, भुजाओं की संख्या, संख्या, और संख्या जो है वो पूर्णांक में होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे पूर्णांक में, ये पूर्णांक में, पूर्णांक ये पूर्णांक में नहीं है, और इसलिए अपन कहेंगे कि हमारे ये 75 वाला जो मामला है, ये डिग्री का, ये किसी भी समबहुभुज का बहिष्कोण नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इसको पढ़ें, समझें, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप CMPC YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही अपने साथियों को भी बताएं ताकि सभी को इसका पूरा फायदा हो। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, देखिए मैंने लगभग मैंने सभी पैटर्न ले लिए, यूं तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैंने इसके अंदर वो क्वेश्चन लिए हैं जो जो पैटर्न इस बहुभुज पर बन सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया इसने, एक सम षटभुज और सम बाहु त्रिभुज, देखो मिक्स क्वेश्चन कर दिया इसने, एक सम षटभुज और सम बाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। अब यह इसने दोनों के क्षेत्रफल की बात कर ली है, ध्यान से देखना। यहाँ एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नंबर एक, ठीक है ना, एन भुजाओं वाले समबहु भुज में क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे सम पंच भुज का क्षेत्रफल नंबर दो, सम षट भुज का क्षेत्रफल, और तीसरा है सम अष्टभुज का क्षेत्रफल। तीनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अब इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है,
सबसे खास बात, देखिए समपंचभुज की बात करूं, ठीक है, आपको मैं पूछना चाहूँगा कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए ए ए है, समबाहु त्रिभुज, उसका एरिया कितना होता है? आप बता दें, ये होता है √3/4a² ठीक है, ये आपको पता है, इसके अंदर जरूरत भी पड़ रही है समबाहु त्रिभुज, है ना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास समपंचभुज, समषट्भुज और समष्टभुज है। मैं एक काम करता हूं, देखिए इसके अंदर √3/4a² और इसमें भी √3/4a² समपंच और समषट के अंदर, ठीक है। और इसको तो मैं गुणा कर दूं किससे, 5 से, इसको 6 से कर दूं, तो ये तो हमारे समपंचभुज और समषट्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा अलग है, वो है 2 √2+1a² ये है समअष्टभुज का। अब थोड़ा सा ध्यान देखें, समपंचभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमारे पास क्या है कि एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को 5 से गुणा किया, इसका मतलब ये हुआ कि समपंचभुज के अंदर 5 समबाहु त्रिभुज होते होंगे। चलो हम देख लेते हैं, ये आपके मान लेना इसको समपंचभुज, ठीक है। हम इसके अंदर एक काम करें, जैसे ये भुजाएं हैं आप इसको मिला लें, ठीक है, इसको मिला लें, ठीक है, तो इसके अंदर कितने हुए, देखिए थोड़ा सा मतलब इसके अंदर क्या है, ये बना सही नहीं है इसलिए चक्कर पड़ा है, तो ये इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 ही हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये 4 है तो आप इसको इससे मिला दें, तो ये आपके देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 समबाहु त्रिभुज बन गए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप समषट्भुज की बात करें तो ये क्या बनेगा, ये देखो अपने बेंजीन वलय की तरह, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर आप क्या करें, समषट्भुज की बात करें तो कितना हो रहा है समषट्भुज, 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, तो इसके अंदर भी आप सेम ऐसे ही मिला लें, आप भले ही जैसे ये मिलाया और ये मिला दिया, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हमारे पास में, ठीक है, ए ए ए ए, और इसलिए इसने 6 से गुणा कर दिया इसको। ऐसे ही समअष्टभुज की बात करें तो समअष्टभुज जो बनता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है, इसको 2 भागों 3 भागों बांट लो, तो उस केस में ये तो बन गया आयत और ये समलंब बन गया चतुर्भुज, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, समअष्टभुज के अंदर प्रत्येक अंतर कोण होता है 135 डिग्री, ध्यान देना, तो आप देखो कि ये पूरा 135 डिग्री है, तो ये आपके 90 हो गया क्योंकि ये आयत बन गया अंदर वाला, ठीक है, तो इसके लिए आपके ये हो जाएगा 45 डिग्री, और इससे आप इसकी दूरी निकाल लोगे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, क्योंकि आपको मालूम है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × समांतर भुजाओं का योग × ऊंचाई, ये आप जानते हो, ठीक है, तो इससे आपके पास ये इन दोनों का तो 2 से गुणा करके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, और ये हो जाएगा आपके किसका, आयत का क्षेत्रफल, और इसीलिए दिस प्लस दिस इन दोनों को एक जैसा मान लिया 2 × करके, और इसको मान लिया आयत, और इसीलिए देखो ये 2a+b रूप में इसके क्षेत्रफल के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके इसका क्षेत्रफल वाला मामला हुआ। तो मैं इसके अंदर अब सवाल की बात करूं, ध्यान देना, जो इसने कहा है समषट् और समबाहु, ठीक है, तो मैं समषट् और समबाहु की बात कर लेता हूं। इसके अंदर सबसे पहले क्या, परिमाप बराबर है, ठीक है, तो समषट्भुज का परिमाप तो हो जाएगा कितना, 6a, ठीक है, और बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो ये हो जाएगा 3b, समबाहु त्रिभुज की भुजा अपन ने b मान ली, ध्यान देना, तो इस केस में हमारे ये क्या आ जाएगा, a/b = 1/2। अब इसने कहा कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है,
तो क्षेत्रफलों का अनुपात आपको मालूम है, सम पहले अपन ने किसका लिया, पहले किसका मांगा इसने, सम षटभुज का, तो ये 6√3/4 ए स्क्वायर अपॉन अगला कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर नीचे कुछ नहीं आएगा, बस खाली 6 रहेगा ये, ठीक है, और ये √3/4 ए स्क्वायर, सॉरी ये बी स्क्वायर हो जाएगा अपने इसके अंदर, बी लिए इसके अंदर भुजा अपन ने, तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा इसका, ठीक है, दोनों का हो जाएगा ना क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया अपॉन वन अपॉन एरिया टू, तो ये आपके क्या आ जाएगा, ये पद कैंसल, ठीक है, तो ये 6 × a/b की वैल्यू कितनी है, 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके कितना, 6 × 1/4 यानी कि 3/2, मतलब ये कितना आ गया, 3:2, तो ये आपके सेकेंड वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ये आपके जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं तब वहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस तरीके से इसका एरिया भी निकाल सकते हो। ये जिसे मान लो, ध्यान रखना इसमें n भुजाओं वाले, सबसे खास बात यही है, सम बहुभुज में विकर्णों द्वारा बने त्रिभुजों की संख्या, और वो होती है n-2, ध्यान देना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समबहुभुज कोई सा भी जो भी कहे तो उसमें इतने त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुजों की संख्या भी अपने को याद रखनी है, ताकि अपन एक तो अपन वहाँ बनाने बैठे हैं कि भाई समपंचभुज है ये इस तरीके से, और अब इसमें इधर उधर करके अपन बनाएंगे विकर्णों से, और बनाने के बजाय अपन थोड़ा याद रख लें तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वह n की तरफ हो सकता है वो डायरेक्ट इसके अंदर इसी n के फॉर्म में दे दे, तो फिर वापस अपने को उल्टा फॉर्मूला बनाने में दिक्कत पड़ेगी, और इसलिए आपको विकर्णों द्वारा कुल कितने बनेंगे जो इसने, जैसे अपन करके देखें, मान लो जैसे ये 1, 2 और ये और ये, ठीक है, तो अभी ये इसके अंदर जो अपन ने बनाए, तो किसी भी विकर्ण के लिए कह रहा, तो ये इसके अंदर आप देख लो कितने बन रहे हैं, इसके अंदर 1, 2, 3 और 4, तो अब इसके अंदर पंचभुज है, ठीक है ना, तो ये इसके अंदर जो बताया है यहाँ यहाँ थोड़ा सा सुधार है, देखो हाँ इनका ज़्यादा कैसे हो गए, तो इसमें किसी एक शीर्ष से एक शीर्ष, ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, एक शीर्ष से है ना खींचे विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा, इनका चेंज क्या आया है तो ये आपको ध्यान रखना होगा, तो अब ये इसके अंदर ये अलाउ नहीं होगा, हम एक शीर्ष से बात करें तो ये देखिए आप, ये बन रहा है आपके, तो ये आपके किसी भी एक शीर्ष से बात करें तो जैसे ये एक, ठीक है, ये दो हो गए, तो 1, 2, 3, ठीक है, ये भी इसके अंदर ही इसी कॉन्सेप्ट से इसने सारे ये फॉर्मूले जो है ये डिराइव किए हैं, तो ये इस तरीके से आपको बहुभुज के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ठीक से समझ लेना है, कॉनकेव कॉन्वेक्स बहिष्कोण अंतःकोण इनका योग, ठीक है, जो भी मतलब इसके अंदर बच रहा है वो सारी चीज़ें आपको इस तरीके से इसमें कर लेनी है, ताकि बहुभुज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाए। बहुभुज के अंदर आपको इससे बाहर नहीं जाना है, ले दे करके या तो वो योग दे देगा, भुजाओं की संख्या पूछ लेगा, भुजाओं की संख्या दे देगा, योग पूछ लेगा, मतलब कैसे भी करो तो भी वो आराम से आप निकाल सकते हो, बस फॉर्मूले जो है आपको ध्यान में रखने हैं, प्रत्येक अंतःकोण का, ठीक है, और सभी अंतःकोणों का योग का, बहिष्कोण का 360 अपॉन n, ये जो मेन आपको फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट के अंदर केवल ये बहुभुज हैं, आप इसको समझें पढ़ें, अगर आपको आज
ये जो वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों को भी शेयर करें इस वीडियो को, सभी इसका पूरा फ़ायदा लें, ठीक है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर के फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मज़े करिए और बने रहिए इस चैनल पर। थैंक्स।